Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com, and as you know, recently Angular 6 launch हुआ है. So I was trying something with Angular 6 and मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ changes हुए हैं and I faced an error. मुझे एक error मिली Angular develop करते समय जो पहले किसी version में नहीं मिली थी. That is static injection error app module. Okay, and यहाँ पर हमें और hint भी मिलती है, no providers for HTTP. So this hints was not enough. थोड़ा ट्रिकी था इसे सॉल्व करना, सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस एरर सॉल्यूशन विथ यू ऑल. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो यहाँ पर एरर ये है, स्टैटिक इंजेक्शन एरर, और ऐसा एक्चुअली तब हो रहा है जब मैं यहाँ पर HTTP सर्विस को इंसर्ट कर रहा हूँ. अगर मैं कंस्ट्रक्टर से HTTP सर्विस को रिमूव कर देता हूँ एंड देन रन करते हैं तो एप्लीकेशन चलने लगती है. सी, और जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर में सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो ये बंद हो जाती है, जबकि सर्विस में यहाँ पर कोड बिल्कुल ठीक लिखा है और यहाँ पर भी कोड बिल्कुल ठीक लिखा है. तो एरर क्या है? एक्चुअली एंगुलर 5 तक हमें एप्लीकेशन मॉड्यूल में HTTP मॉड्यूल्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था मैनुअली. जब हम एप्लीकेशन का पैकेज इंस्टॉल करते थे तब डायरेक्टली एप्लीकेशन मॉड्यूल में HTTP मॉड्यूल इंसर्ट हो जाता था, लेकिन एंगुलर 6 से हमें उसे इंसर्ट करना पड़ रहा है मैनुअली. सो जस्ट इंपोर्ट्स में HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिए, इसे सेव कर दीजिए एंड एरर विल बी सॉल्व्ड. ओके, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली. यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर सर्विस भी इंसर्ट कर दी है एंड नाउ वी कैन यूज़ इट SV2. ओके, सो दिस वॉज जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग वीडियो एंड I hope you are enjoying the Angular series on Udemy, and if you haven't buy, you can buy it now. I am coming soon on the YouTube with new series, guys. Till then, happy coding.